नमस्कार, मैं पूजा प्रिया, लाइफ स्टीज के एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। जब सोने की लंका और धन के मद में चूर कुबेर स्वयं को सबसे अधिक धनवान दिखाने के लिए गणेश जी को आमंत्रित करते हैं, तो गणपति उनके घमंड को कुछ समय में ही तोड़ देते हैं और उनके पूरे धन संपत्ति को तुच्छ साबित कर देते हैं। तो आइए जानते हैं गणेश जी की इस कथा के बारे में कि आखिरकार हुआ क्या था। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से गंधर्व कुबेर के पास सबसे अधिक धन और स्वर्ण था। इसके प्रदर्शन के लिए उन्होंने सोने की लंका बनवाई, जिसे बाद में उनके सौतेले भाई रावण ने हड़प लिया था। सोने की लंका बनवाने के बाद कुबेर अपने धन का प्रदर्शन करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने शिव जी को लंका में आमंत्रित करने का सोचा। वे कैलाश पहुंच गए, लेकिन महादेव शिव शंकर तो ध्यान में लीन थे। थोड़ी देर बाद उनकी आंखें खुली तो वे कुबेर को देखकर उनके मन की बात जान गए। कुबेर ने महादेव को प्रणाम किया और सोने की लंका में भोजन के लिए आमंत्रित किया। भगवान शिव ने कहा कि वे तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन उनके छोटे पुत्र गणेश जी जरूर जाएंगे। कुबेर ने तय तिथि पर विभिन्न प्रकार के भोजन बनवाए। उधर गणेश जी भी मूषक पर सवार होकर लंका पहुंच गए। कुबेर को लगा कि सोने की लंका और धन संपदा देखकर गणेश जी बहुत प्रभावित होंगे और कैलाश पर इसकी चर्चा करेंगे। कुबेर ने गणेश जी का सत्कार किया, फिर लंका भ्रमण का प्रस्ताव रखा। तो गणेश जी ने कहा कि वे तो यहाँ भोजन के निमंत्रण पर आए हैं, न कि लंका भ्रमण के लिए। उन्होंने कुबेर से कहा कि आप भोजन का प्रबंध करें। कुबेर ने तुरंत भोजन लगवाया और गणेश जी आसन पर विराजमान हो गए। गणेश जी को भोजन अति प्रिय है। वे जब तक माता पार्वती के हाथों एक निवाला नहीं खाते, तब तक उनका पेट नहीं भरता है। कुबेर ने गणेश जी के समक्ष 56 प्रकार के व्यंजन परोसे, यानी कि भोजन परोसे। गणेश जी पल भर में सारा भोजन चट कर गए। कुबेर ने अपने सभी रसोइयों को खाना बनाने और खिलाने पर लगा दिया। एक ओर खाना आता और पल भर में गणेश जी सारा खाना खा जाते। देखते थोड़े समय में गणेश जी कुबेर के महल का सारा भोजन और अन्न खा गए। कुछ कथाओं में तो यह भी बताया गया कि गणेश जी इतने भूखे थे कि वे कुबेर के स्वर्ण भंडार को भी खा गए। अंत में कुबेर हाथ जोड़कर गणपति के सामने खड़े हो गए और बोले कि अब उनके पास खिलाने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। इस पर गणेश जी ने कहा कि इतना धन किस काम का जब आप उनको भोजन ही ना करा सके। इस बात को सुनकर कुबेर बहुत लज्जित हुए। ये सारा दृश्य देखकर त्रिदेव यानी कि भोलेनाथ मुस्कुराने लगे और गणेश जी कैलाश लौट आए। इस तरीके से गणेश जी ने कुबेर के घमंड को चूर चूर कर दिया। आपको इस कथा से क्या सीख मिलती है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसे ही अन्य तमाम वीडियोस के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।